Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students and my friends. I am your teacher Asadullah Ghori, and today inshallah we will be discussing a very important and interesting topic, that is circle. Okay, तो सर्कल पर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल पर हम, और अगेन ए लेवल मैथमेटिक्स. नाइन सेवन जीरो नाइन कोड एंड पेपर P1 एंड टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. In fact, equation of the circle is a subtopic of coordinate geometry in A-level. और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी दो साल से ही, पीछे दो तीन साल से अगर ऐड किया है तो स्टूडेंट्स ज़रा कन्फ्यूज कि सर ये कैसे करना है. तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना आज हम ज़रा इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बात कर लें, और स्पेशली उन बच्चों के लिए, अपने उन फ्रेंड्स के लिए जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इन पर बात करता हूँ, हैदराबाद के बच्चे, टंडवाला यार के बच्चे, मटियारी के बच्चे, मीरपुर खास के बच्चे, दादू के बच्चे, मोरू में जो होते हैं, सेवन शरीफ में जो बच्चे हैं, और इसी तरह से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के, बलूचिस्तान में थल के, उत्थल के बच्चे, और उधर चले आइए आगे तो लसबेला डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, इसी तरह से और डिफरेंट एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के साहिवाल और मुल्तान. तो क्यों ना हम उन तक भी कुछ चीज़ें आगे पुट फॉरवर्ड कर दें, सो दैट दे कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक. ज़ाहिर अभी बिल्कुल नया टॉपिक है तो बच्चों को कन्फ्यूजन तो होती है. तो आइए जनाब बात शुरू करते हैं अपनी. सो बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, व्हाई डोंट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. तो सर्कल की डेफिनेशन पर तो बात कर लें. तो देखो अभी तुमने ओ लेवल किया है, ओ लेवल में एक टॉपिक था लोकस, तो वहां पर तुमने पढ़ा था लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, देन सेकेंड लोकस, locus of a fixed, locus of a moving point from a fixed line, then two intersecting lines and so on, chart type ke locus tha na, locus of a point matlab locus of a point from a fixed point, locus of a point from fixed line, locus of a point from two lines intersecting line, and then finally locus of a point from two fixed point. To do point, ek line, do line ka locus. To yahan pe main kehta hu ki circle is a locus of a moving point if a distance from a fixed point is constant. तो मैं अब इसको दोबारा पढ़ता हूं, फिर सुनो. locus of a moving point from a fixed point if the distance between fixed point and moving point is constant. distance मतलब क्या हुआ, इसको बताने से पहले मैं एक बात और जो जहन में आ गई वो कर लूँ. एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलाया. तो मैंने कहीं हदीस में पढ़ा कि अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ करे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ज़मीन पे बैठकर कुछ जिस तरह की लकीरें खींची, जैसे मैंने शायद, मैं तो खैर मेरी क्या जसारत क्या औकात, यकीनी तौर पर कुछ लकीरें उन्होंने जो बनाई हुई उनकी बात किया, और उसके बाद साहब कराम से पूछा कि बताओ ये क्या है, तो उन्होंने कहा यार सल्लल्लाहु अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं. तो आपने फरमाया कि ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, मैं भी कि वो बिल्कुल इस तरह से होगा कि, लेकिन जो सीधा रास्ता जा रहा है ये सिरात मुस्तकीम है, और ये जो साइड पर तुम रास्ते देख रहे हो ये सारे शैतान के रास्ते हैं. ठीक है, तो हमें अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम पर चलाए. तो इसका मतलब है कि लोकस तो कुछ ना कुछ तो है, यानी कि गुनाहों से दूर होते हुए निकलना है और नेकियों के करीब होते हुए जाना है. तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई डेफिनेशन तो लोकस है. लोकस इज अ वे, अ ट्रेजेक्ट्री और अ पाथ विच फुलफिल्स अ सर्टेन कंडीशन और मैनी कंडीशन. सर्टेन कंडीशन होती है ना कुछ जिनको वो फुलफिल कर रहा होता है, सेटिस्फाई कर रहा होता है. तो फिर दोबारा सर्कल पे आते हैं कि सर्कल इज अ पाथ, सो लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज अ सर्कल, बिकॉज इन सर्कल वी फाइंड अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. तो देखो जरा कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कैसे आ गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया जो तुमने यहाँ पर रख दिया, और इसके अराउंड ये जो एक सर्कल बन गया
ये मूविंग सर्कल, ये वो लोकस है, वो रास्ता है जिसके ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है। लेट सपोज ये रहा वो पॉइंट पी और ये रहा पॉइंट क्यू, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर इफ द डिस्टेंस इज गिवेन इज अ सर्कल। तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। अब पी मूविंग पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 मेन बी के कहीं भी हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आ जाए, बट डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑल दीज लेंथ आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये तमाम के तमाम सर्कल के रेडियस चल रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे रेडियस हो गए, ठीक। सो रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी फिगर जिसके ऊपर एक ऐसा कर्व सा बन रहा हो, सर्कुलर कर्व बनता हो, या सर्कल बन रहा हो जिसका डिस्टेंस सेंटर से कॉन्स्टेंट हो, रेडियस कॉन्स्टेंट हो, राइट। अब आओ जरा इक्वेशन की तरफ आते हैं कि इक्वेशन कैसे बना है सर्कल की। तो जरा देखते हैं जनाब, ये रहा एक सर्कल, नाउ वी हैव अ सेंटर ओ विथ कोऑर्डिनेट्स और हैविंग कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी, राइट, एंड देन वी हैव अनदर पॉइंट ओवर हियर दैट इज पी विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, ये हमें पता है, एंड लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी is constant, that is r, जिसको तुम radius भी कहते हो। So the distance between O and P is r, and the coordinates of the centers are a, comma b, and coordinates of point P x, comma y. Now find the distance between these two points. कैसे निकलाएंगे? Distance formula क्या होता है? Distance formula होता है distance modulus a equals to under root y x2 minus x1 square प्लस y2 टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला हो गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास है। लेट सपोज दिस पॉइंट बी एक्स वन एंड वाई एक्स टू एंड वाई टू एंड दिस पॉइंट बी एक्स वन एंड वाई वन। तो O को मैंने कह दिया x1 y1, B को कह दिया x2 comma y2, राइट, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम इनको उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 विच इज a होल स्क्वायर, फॉर्मूले का लगा दिया, देन प्लस y2 माइनस फॉर्मूला y1 दैट इज b होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज आर, आर कर दिया जनाब, लीजिए जी एक बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रूट खत्म कर दिया। ले जी ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास आ गई, ठीक है, ये हमने इसको निकाल दिया। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना आई हो, तो चलो किसी और तरह से भी करके देख लेते हैं, ओके, मिटाते हैं इसको। और वो तरीका जो मेरे जहन में आता है वो शायद कि मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूं कि अगेन वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर, लेट सपोज एच के एंड अनदर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज एक्स कॉमा वाई पी, यहां पर भी पी लिया है मैंने, राइट, तो ये भी पी आ गया और ये ओ आ गया, एक सेंटर का ओ और एक सर्कमफेरेंस पर पी। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, सबसे पहले मैं ये करता हूं कि सेंटर को इसके पॉइंट के साथ मीट करता हूं और फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ। तो तुम्हें पता है ये बात कि जिस जगह पर ये मीट करेगा अगर मैं इसको क्यू कह दूँ पॉइंट को, तो देन यू कैन कंसीडर दिस कोऑर्डिनेट्स एज, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो चेंज नहीं हो रहा, के तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि के तो इसके वाई कॉम्पोनेंट है, तो वाई कॉम्पोनेंट तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई तो के ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पर y तो कह ही रहेगा क्योंकि y हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर चेंज नहीं होगा, और x तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x जो तुम्हारे पास यहाँ पर डेफिनेटली चेंज होकर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो h था लेकिन यहाँ पर x आ जाएगा, राइट। नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q, x नीचे आया
एंड के हॉरिजॉन्टल आ गया. नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई. नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एंड पी एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन टू दिस ट्रायंगल. बट बिफोर दैट रिमेंबर दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, ये सारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, सलाम के सर, नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बेस एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर्ड देन प्लस वाई टू माइनस वाई वन. y2 minus y1 means y minus k whole squared equals to hypotenuse which is r or the radius of the circle square. Lo janab phir aa gayi. Now we have two methods by which we can find equation of the curve. Do tarike se hum equation of the curve find out kar sakte hain aur maine tumhe do tarah se bata diya. Waise aur bhi tarike hain jisse kar sakte hain but I think two methods are more than enough. I think we can now apply this basic concept onto the question. To aao zara thodi si aur baat kar lete hain isko mita kar. So dekhiye janab ye aapke paas ek center. पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस कि प्लीज नंबर वन ऑलवेज कंसीडर एंड ऑलवेज स्केच योर कर्व और योर सर्कल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. अगर आप अपना सर्कल बना लोगे किसी स्केच कर लोगे थोड़ा सा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी. तो अगेन ये मैंने तुम्हें बताया एक्स एक्सिस आ गया मेरे पास और ये मेरे पास लेट सपोज वाई एक्सिस आ गया x एक्सिस x डैश आ गया एंड देन y एक्सिस एंड देन y डैश. अब लेट सपोज द सेंटर ऑफ माई सर्कल इज लेट सपोज ओरिजन विच इज 0, 0 और सर्कल मेरा बन रहा है कुछ इस तरह से. देयर फोर ओवर हियर वी हैव 3 एंड देन 3 फर्स्ट कर लीजिए. ये -3 पर आ रहा है और यहाँ पर ये 3 पर आ रहा है तो डेफिनेटली फिर इसको भी किस पर आना है, 3 पर आना है. और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, -3. तो How do we find equation of this circle? Very easy. X minus h. H is the center. H is the center, which is 0 whole squared plus y minus k. K is 0 according to the center point equals to r square. So radius kitna hai iska? Yahan se bhi 3 hai. Yahan se bhi 3 hai. Aur yahan se bhi 3 hai. So because all radii are equal in length. So therefore, we do put over here as 3 square. और यहाँ पर भी x square लिख जाएगा. तो जरा इसको simplify करो. x squared plus y squared equals to 9. लीजिए जनाब equation of the circle आ गई. कितना बड़ा काम था जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे कि इसको कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे. तो ये तो एक बात हो गई. चलो फिर जरा कुछ और भी change करके लाते हैं, मिटाते हैं इसको. Let's suppose we have another question like this one और ये कुछ ऐसे बन रहा है. लेट सपोज जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ कि 0, 0 एंड सेंटर इज लेट सपोज 4, 5 लेट सपोज 4, 5 एंड रेडियस इज गिवन. उसने बता दिया रेडियस फर्स्ट कर लो विच इज 9 यूनिट्स फर्स्ट के लिए. तो उसने कहा है कि इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, 5 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 यूनिट और 9 सेंटीमीटर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो क्या करें भाई, अगेन वी हैव एन इक्वेशन दैट इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर रेडियस इक्वेशन. तो अब मैं इसको यूं लिख दूं और अगर नहीं लिखना तुम्हें तो तुम उस तरह से लिख दो जैसे तुम्हें कराया. लाइक तुम यहाँ पर h और k लगा दो. लो मैंने वो भी लगा दिया, a की जगह सॉरी यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर k आ जाएगा. ये सब चीज़ें इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक साथ साथ चलती रहती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सारी चीज़ें एक सारी हो रही हैं. तो
कुछ बातें आगे पीछे हो जाती हैं। एनीवे तो अब इस इक्वेशन में कौन सी चूज कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड एच एंड के बहुत आ रहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, तो चलो इनको उठाकर हम यहाँ पर पुट करते हैं, लगाते हैं जनाब एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल्स टू आर, नाइन बता दिया, ओके नाइन स्क्वायर कर देते हैं, चलो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ इसको मैं, हाँ नाइन कर लेते कोई बात नहीं यार, चलो सेवन कर लेते ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा लेंथ कम हो जाए, तो तुम लोग कन्फ्यूज ना हो, अंदाजे से कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू जो एट एक्स प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन, क्या लगाया मैंने फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना मैं ये वाला, तो इसको मैंने इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया, नाउ विल एक्सपेंड दिस वन, क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस फाइव टू जो टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू फोर्टी नाइन, अब क्या करें जी आगे इसको सिंप्लीफाई करें, नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस एट एक्स देन माइनस टेन वाई एंड फाइनली 25 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11, यस 11 एंड 2 एंड 1 3 एंड 1 4 41, सॉरी अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना इसके अंदर, राइट, तो यहाँ पर आ गया प्लस इक्वल्स टू 49 एंड फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 10 वाई प्लस नॉट प्लस बस इक्वल टू, जाकर उसको माइनस कर दो, तो मेरा ख्याल अब यहाँ पर जाकर 49 में से 41 माइनस करोगे तो कितना 8 बचेगा, so now you have equation of the circle and you will get 3 marks for this part, aapko iske 3 number mil jayenge, right, yahan tak pahunchane ke, yahan tak baat clear ho gayi, aur aage chalte hain thoda sa kuch aur dekhte hain baat ko ki kis tarah se karna, right, main isko yahan se mitata hu aur dekho kya kya ho sakta hai, so again we have 4 5 as the center of the circle having coordinate 0 0 as origin, jiska abhi koi kaam hi nahi aa raha, one more point over here is that is let's suppose main yahan par le leta hu isko kitna le lu bhai, agar yahan 4 aa raha hai to yahan par 8 ho jayega to yahan par 10 ho jayega, to chalo 10 le lete hain kisko x ko aur y kitna hai yahan se lekar yahan tak 5 hai, to zahir si baat hai yahan tak jaga 10 hoga to main 2 le leta hu 5 plus 2 7 le leta hu, zahir 10 lunga to upar aa jayega, now we have a point p having coordinate 10, 7 with the center 4, 5. अब वो कहते हैं find the equation of the circle if the center of the circle is given 4, 5 and a point on the circle passes through the circle or circle is passing through this point that is 10, 7. Find the equation of the curve. Find the equation of the circle. कैसे बनाएंगे इसको देखो जरा. First of all, find the distance, ये वाला distance निकाल लो and this distance is also called radius of the circle. तो radius of the circle तुम कैसे निकालोगे भाई, ऐसे निकालोगे ना distance formula से, distance formula x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared, तो कैसे कर दूं भाई इस distance को कैसे निकालूं, अब मैं distance नहीं कहता r कहता हूं, radius equals to under root x2 minus 4 whole squared plus y2 7 minus 5 whole squared, और सिंप्लीफाई कर देते हैं जी इसको हम, ये आ गया आपके पास 6 और ये आ गया आपके पास 5 माइनस किया आपने 2 और फाइनली यू विल गेट इट एज 36 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 40, ठीक है ना, अंडर रूट 40 आ गया, अब मेरे पास इसका कैलकुलेटर नहीं है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करता, बट नाउ यू हैव अ रेडियस विच इज अंडर रूट ऑफ 40 आ गया, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अब सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बड़ी मजे की बात, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तुम्हें पता है मुझसे ज्यादा तो तुम ही लोगों को पता है आपको, तो क्या करें भाई कहाँ से पुट करें एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई नहीं, ये नहीं है ये वाला है सेंटर, क्योंकि ए और बी एच और के हम सेंटर का अज्यूम करते हैं, ओके तो क्या करें जी एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू अंडर रूट 40 स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास एक्स माइनस फोर इतना प्लस वाई माइनस फाइव इतना इक्वल्स टू 40, अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो भाइयों, इतना काम तो तुम लोग भी कर ही लोगे, किस तरह से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू द एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 40, और आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो और आंसर निकाल लो भाई, इतना काम तो तुम लोग भी कर सकते हो, राइट। तो देखो ये भी बात हो गई, चलो थोड़ा सा और आगे बात लेकर चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ हो सकता है। चलो जी, मैंने इसका सेंटर मिटा दिया और मैंने कहा एक पॉइंट पी है मेरे पास, लेट सपोज ये अगर 0 0 है तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 और ये 2, और मैं नीचे आ जाऊँगा यहाँ पर, तो मैं भी ये माइनस यहाँ पर 2 कॉमा, मैं सपोज कह लेता हूँ 2 कॉमा 2 आ गया, 2 कॉमा 1 आ गया, चलो ये मैंने ले लिया, ओके मैंने अपने पास से लिया पी। एंड नाउ वी हैव अनदर पॉइंट ये रहा, और इसको मैं कह देता हूँ लेट सपोज यहाँ से लेकर जितना भी आ रहा है ये अगर 1 2 3 4 5 6 10 10 जो भी 10 आ रहा है, तो मैं इसको 10 ले लेता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ वही 7 लेते हैं जैसे पहले लिया था। और वो क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि जनाब नाउ दीज टू पॉइंट्स और अ लाइन पी एंड क्यू, लाइन पी एंड क्यू, इसको मैं क्यू करता हूँ एंड देन पी, अलाइन पॉइंट अलाइन पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अलाइन पी क्यू इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके लाइन पी क्यू इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। भाई अगर ये डायमीटर है तो एटलीस्ट के सेंटर में यहाँ कहीं ओ यानी ऑरिजन भी होगा, तो इसका एक्स कैसे निकालोगे, निकालोगे कैसे, एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू कर कर, राइट, एंड देन वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। तो चलो जनाब पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर कैसे निकलेगा इसका बताइए जनाब, एक्स वन टू प्लस एक्स टू 10 ओवर टू इक्वल्स टू 1 2 ओवर टू विच इज 6, लीजिए जनाब ये तो आ गया 6 नाउ विच इज ए, चूंकि हम तो इसको सेंटर को ए कहते थे ना या एच कहते हैं, ए बी और एच के जो भी लेना चाहो, नाउ बी इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू विच इज 8 ओवर 2 एंड फाइनली 4। तो नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड दोज आर डेफिनेटली 6, 4। आ गए जनाब आपके पास सेंटर तो आ गया, बट अभी भी एक कन्फ्यूजन तो है, और वो क्या है, हाउ डू वी फाइंड रेडियस, क्योंकि इक्वेशन क्या है, सेंटर रेडियस इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब क्या करें, इस सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। इफ़ वी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला वी कैन ईजिली फाइंड और वी कैन ईजिली ऑब्टेन दिस रेडियस। तो कैसे लगाएं भाई डिस्टेंस फार्मूला, आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज 6 स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन विच इज 4 स्क्वायर। आओ जनाब सॉल्व करते हैं इसको, 4 स्क्वायर प्लस 3 और ये आ गया तुम्हारे पास 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट 25, और क्या जबरदस्त आया, ये तो सीधा सीधा 5 आ गया। ले जनाब आपके पास रेडियस भी आ गया, आर इक्वल टू 5 यूनिट ऑफ 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लो जी आर भी आ गया और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, नाउ वी डू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो कैसे करें भाई, फिर मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर टू मैच कर दो प्लस वाई माइनस के नो के बी, चूंकि मैंने ए ले लिया इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जनाब आ गया ये आपके पास एक्स माइनस ए, ए इज 4 नॉट 6, 6 स्क्वायर ये आ गया तुम्हारे पास प्लस वाई माइनस, जी जनाब क्या है यहाँ पर 4 है, ओके 4 पुट करते थे बी की जगह 4, और आर कितना आ रहा था वो तो डायरेक्ट मैं 5 का स्क्वायर यूँ भी लिख सकता हूँ। आओ फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं कि क्या आंसर इसका आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 12 x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 था ये भाई, 4 2 8 x प्लस 16 इक्वल्स टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 2 x माइनस, देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, इसको एक्स वाई की जगह लिख दिया था इक्वल लो, एंड देन माइनस 8 y प्लस 6 6 2 एंड 3 प्लस 1 4 and 1 5 इक्वल्स टू 25 एंड फाइनली यू विल गेट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 2 x माइनस 8 y इक्वल्स टू जाके माइनस करो 25 प्लस 2 27 विद माइनस साइन। लीजिए जनाब आ गई, हाँ जी थक गए तुम लोग,
मेरा ख्याल है मेरे पास बताने के लिए अभी बहुत कुछ है ऑलरेडी, मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़े को बहुत जानते हैं। इतनी बात तो हो गई कि तुम बड़े मज़े के साथ 3 to 5 marks अपने ले जाओगे इसके अंदर। अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे इंक्वायर ऑफ मी, प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर कुछ पूछना है तो पूछो, हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो कुछ तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे उनको डिस्कस करेंगे और आपको आगे लेके चलेंगे। दिस वन इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ सर्कल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जल्द मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर नंबर 2 इसका करूं तो उसके कुछ पास पेपर्स भी कर दूं ताकि तुम लोगों का बिल्कुल ही मसला हल हो जाए। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखना।